रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो अभी तक हमने बेटा मेजर पोर्शन जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कुछ बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया है, ठीक है ना। हमारा जो प्रीवियस क्लास था बेटा उसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फ्लॉपियन ट्यूब को एक्सप्लेन किया था, यूट्रस को एक्सप्लेन किया था बेटा, ठीक है ना। मतलब हम इंटरनल जेनेटिकली पढ़ रहे थे और वहां पे बेटा हमारा एक छोटा सा पोर्शन रह गया था जो हम आज करेंगे, और उसके बाद हम एक्सटर्नल जेनेटिकली पे जाएंगे बेटा। फिर उसके बाद देखेंगे अगर टाइम मिला तो ओजेनेसिस को भी आज ही खत्म करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो हमारा जो लास्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया था बेटा, ठीक है, वो इंटरनल जेनेटिकली के बारे में रह गया था, और वो था बेटा किसके बारे में, वो था बेटा वेजाइना के बारे में, ठीक है ना। वेजाइना जो है बेटा, वेजाइना इंटरनल जेनेटिकिया का पार्ट है इन फीमेल्स, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया बेटा, ठीक है ना। और वेजाइना जो होता है बेटा इसको हम कॉल पॉस भी बोलते हैं, ठीक है ना। वेजाइना को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम कॉल पॉस भी बोलते हैं, क्लियर है ना। अब वेजाइना जो है बेटा, वेजाइना आपको याद रखना है, वेजाइना जो है इट कनेक्ट्स विद द यूट्रस, ठीक है ना। वेजाइना जो है ये कनेक्टेड रहता है बेटा किसके साथ, यूट्रस के साथ, थ्रू ए कैनल, जिस कैनल को हम सर्वाइकल कैनल बोलते हैं बेटा, विच इज अ पार्ट ऑफ सर्विक्स बेटा। यानी वेजाइना जो है, वेजाइना एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा जो कनेक्शन में रहता है बेटा, जो कनेक्टेड रहता है हमारे यूट्रस के साथ, लेकिन यूट्रस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता बेटा, इट कनेक्ट्स विद यूट्रस थ्रू ए स्पेशल स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्विक्स बोलते हैं और सर्वाइकल कैनल बोलते हैं, क्लियर है। अब वेजाइना होता कहाँ पे बेटा, जो लोकेशन यूट्रस का होता है वही लोकेशन बेटा वेजाइना का भी होता है। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था बेटा, यूट्रस इज लोकेटेड बिटवीन टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बेटा, आगे होगा यूरिनरी ब्लैडर एंड पीछे होगा रेक्टम बेटा, याद है ना। अगर हम सेगमेंटल सेक्शन काट रहे थे, साइड से देख रहे थे बेटा, सेम लोकेशन किसका होता है बेटा, वेजाइना का भी होता है। वेजाइना इज ऑल्सो सिचुएटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम इन फीमेल्स बेटा, क्लियर है ना। अब याद है हमें एक चीज याद रखना बेटा कि मान लीजिए फॉलो ये यूट्रस है, ठीक है, और ये वेजेना है, यूट्रस एंड वेजेना के बीच में बेटा हमेशा 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि यूट्रस बेटा डायरेक्टली ऐसे वेजेना के स्ट्रेट लाइन में होता, नहीं, यूट्रस इज कनेक्टेड विद वेजेना थ्रू सर्विक्स एट एन एंगल बेटा, ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम एंगल ऑफ एंटी वर्जन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ एंटीओवर्जन, ठीक है ना। चलिए अब वेजेना होता क्या एक्चुअली बेटा, वेजेना इज नथिंग बट इट्स अ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं लिख देता हूं बेटा, वेजेना इज अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्क्यूलर फ्लेक्सिबल ट्यूब, ठीक है ना, विच इज लाइन बाय एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। वेजेना है क्या बेटा, वेजेना इज नथिंग बेटा, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है ना, और ये सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है बेटा ये मस्कुलर होता है, ठीक है ना, हाईली मस्कुलर टिश्यू होता है बेटा, क्लियर है ना। साइज कितना इसका बेटा, 7.5 टू 10 सेंटीमीटर आप याद रख सकते हैं बेटा, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम बेटा, ठीक है, एंड मस्कुलर होता है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है, एंड किससे कवर्ड रहता है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड रहता है, और कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है बेटा ये भी याद रखना है, दैट इज स्ट्रैटिफाइड, इधर लिख देता हूं, दैट इज स्ट्रैटिफाइड सुकोमस एपिथेलियम बेटा, दैट इज स्ट्रैटिफाइड सुकोमस एपिथेलियम बेटा, क्लियर है। अब इसके अलावा एक चीज याद रखिए बेटा, वेजेना का जो एपिथेलियल टिश्यू होता है बेटा इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता, इट इज नॉन ग्लैंडुलर बेटा, इट इज ए ग्लैंडुलर बेटा, दैट मींस वेजेना की जो खुद की लाइनिंग है बेटा उसमें कोई भी ग्लैंड आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कोई सिक्रीशन रिलीज करे, ठीक है ना। अगर वेजेना के अंदर बेटा खुद का कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वेजेना की एसिडिटी या वेजेना का वेटनेस जो होता है बेटा वो कैसे डेवलप होता है, बिकॉज अगर वेजेना में कोई म्यूकस ग्लैंड नहीं है, कोई ग्लैंड नहीं है, तो वेजेना तो एकदम ड्राई हो जाएगा,
लेकिन अगर वेजेना फिर भी वेट है बेटर, ठीक है, द वेटनेस ऑफ वेजेना इज नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम ग्लैंड्स व्हिच आर इटसेल्फ प्रेजेंट इन द वेजेना बेटा, मतलब वेजेना की वेटनेस जो है बेटा वो किसी भी ऐसे ग्लैंड की वजह से नहीं है कि जो खुद वेजेना में पाया जाता है, बिकॉज वेजेना की जो एपिथेलियल टिश्यू होती है बेटा इट लैक्स ऑल द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स बेटा, इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं देखने को मिलता है, तो अगर वेजेना में खुद का कोई ग्लैंड नहीं है फिर भी वेजेना वेट है बेटा, तो वो वेटनेस क्यों होती है, दैट इज बिकॉज कि सर्विक्स की वजह से बेटा फ्लूइड्स रिलीज होते हैं, बिकॉज सर्वाइकल सर्विक्स पार्ट जो होता है बेटा इट इज हाईली ग्लैंडुलर पार्ट, तो सर्विक्स में जो फ्लूइड्स रिलीज होते हैं ना बेटा वो स्लाइटली ड्रेन होके कहां पे आ जाते हैं, वेजेना में भी आ जाते हैं और वेजेना को क्या बना देते हैं बेटा वेट बना देते हैं, तो अगर वेजेना वेट है दैट इज बिकॉज ऑफ द सिक्रीशंस, जिन सिक्रीशंस को कौन रिलीज करता है बेटा, जिन सिक्रीशंस को रिलीज करता है सर्विक्स, ये क्लियर हो गया ना, तो ये याद रखना वेजेना एक ग्लैंडुलर होता है, उसमें कोई ग्लैंड खुद का नहीं होता। दूसरी चीज, तो सिक्रीशन तो आई बेटा सर्विक्स से जिन्होंने वेजेना को वेट कर दिया, ठीक है ना, वेजेना की एसिडिटी जो होती है बेटा, एसिडिटी मेंटेन करने के लिए वेजेना क्या करता है, ये अपनी सेल्स के अंदर बेटा ग्लाइकोजन स्टोर करता है, ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेजेना की जो वेजेना एसिडिक होता है बेटा, जैसे हमारा यूरेथ्रा एसिडिक होता है, फीमेल्स का वेजेना भी एसिडिक होता है बेटा, ठीक है, यही रीजन है बेटा, अगर आपको याद हो हम बेटा सीमेन को कैसा रखते थे, बेसिक रखते थे बेटा, बिकॉज वो एसिडिटी को डिक्रीज करता था फिर आगे जाके, तो फीमेल का वेजेना बेटा एसिडिक होता है, ये जरूरी भी है बेटा, बिकॉज अगर फीमेल का वेजेना बेसिक हो जाएगा उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो फीमेल का वेजेना जो होता है बेटा वो एसिडिक होता है, और वेजेना को एसिडिक बनाने के लिए बेटा फीमेल की वेजेनल सेल्स जो होती है बेटा, या ये जो एपिथेलियल सेल जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, ये क्या करती है, ये अपने अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर करती है बेटा, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करती है। अब ग्लाइकोजन स्टोर क्यों करती है बेटा, वो समझ लीजिए, कर देता हूँ, ग्लाइकोजन क्यों स्टोर करती है, बिकॉज इस ग्लाइकोजन के ऊपर फीड करने के लिए, ठीक है ना, एक बैक्टीरिया आता है जिसको हम नाम देते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, वेजेना ने बेटा अपनी एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए क्या किया, अपने अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर किया, जब वेजेना के अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है बेटा, तो इस ग्लाइकोजन के ऊपर फीड करने के लिए कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं बेटा, जिन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बोलते हैं, और ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, ये एसिड रिलीज करते हैं, और उस एसिड के रिलीज होने की वजह से बेटा वेजेना कैसा बन जाता है, वो एसिडिक बन जाता है बेटा, यानी वेजेना की एसिडिटी के पीछे बेटा कौन रेस्पॉन्सिबल है बेटा, सुभाष लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस है बेटा, और भी बैक्टीरिया से जैसे ल्यूकोनोस्टॉक है बेटा, या कॉमन आप याद रखें बेटा लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस याद रखें, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी फीमेल के अंदर वेजेना की जो एसिडिटी है बेटा वो चेंज हो गई, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर हाइजीन, या बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग बेटा, ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ना इनके बदले बेटा कोई और बैक्टीरिया ग्रो करेगा, तो अगर लैक्टोबैसिलस का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है और इसके बदले कोई और बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है बेटा, तो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से बेटा वेजेना में क्या हो जाता है बेटा, इन्फेक्शन हो जाते हैं, कॉमनली फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है बेटा, ठीक है ना, तो वेजेना के जो वेजेनल इन्फेक्शन होते हैं बेटा वो होते हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया बेटा, समझ गए कि नहीं समझ गए। इसके अलावा याद रखना बेटा कि वेजेना जो होता है बेटा इनके सब फीमेल्स, इनके सब नल में पैरा फीमेल्स बेटा, ठीक है ना, उसके ऊपर बेटा एक कवर पाया जाता है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा, जिस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं बेटा, ठीक है, और ये वेजेना को पार्शियली कवर करता है, मतलब ये पूरे वेजेना को कवर नहीं करता है, ये पार्शियली वेजेना को कवर करता है बेटा, इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, हम हाइमेन बोलते हैं। अब एनसीईआरटी ने एक अच्छे लाइन लिखी है बेटा, बिकॉज आप अभी 12th में पहुंच गए बेटा, और सेक्स एजुकेशन इस टाइम पे बहुत जरूरी है, बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बेटा इसकी वजह से, तो इसलिए मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन आपको बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है बेटा कि वेजेना जो होता है बेटा वो नॉर्मली ब्रेक होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना, इन केस ऑफ फीमेल्स बेटा, बट ब्रेकिंग ऑफ वेजेना इज नॉट ओनली ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स बेटा, वेजेना जो है वो नॉर्मल केस में बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ही ब्रेक होगा, लेकिन खाली सेक्सुअल इंटरकोर्स से ब्रेक होगा ये सही नहीं है बेटा, ठीक है ना, बिकॉज इंडिया की वजह से इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बेटा, क्लियर है ना, तो वेजेना जो होता है बेटा वो रनिंग की वजह से ब्रेक हो सकता है, हॉर्स राइडिंग की वजह से ब्रेक हो सकता है, या बहुत से और भी रीजन है बेटा, ठीक है ना,
ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स इसका रीजन नहीं होता है, समझ गए ना। तो ये सब कुछ बेटा वैजेना के बारे में था जो हमने लास्ट टाइम पे मैं भूल गया, शायद स्किप कर दिया बेटा, ठीक है ना, वो मैंने आज आपको बता दिया बेटा, ये आपको याद रखना, क्लियर है बेटा। चलिए अब ये भी याद रखना बेटा कि वैजेना की जो एसिडिटी होती है बेटा, ठीक है ना, 4 to 5 पीएच जो वैजेना को होता है बेटा, पीएच जो वैजेना होता है 4 to 5 होता है बेटा, क्लियर है ना। चलिए बस इतना ही याद रखना इसमें बेटा। अब हम आते हैं किसकी तरफ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए बेटा तो ये जो है बेटा ये हमारा वैजेना खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अभी हम आते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ, वो है बेटा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है ना। और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बेटा हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था बेटा तो मैंने आपको बोला था फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है बेटा, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, क्लाइटोरिस आता है बेटा, ठीक है ना, यूरेथ्रल ओपनिंग आती है, एंड वेजेनम ऑरिफेस आता है बेटा, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देख लेते हैं बेटा, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा बेटा जो बड़ा जरूरी और इम्पोर्टेंट है बेटा, कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे जो जो नाम मैंने भी आपको बताया बेटा, ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ओपनिंग ऑफ वेजेना एंड ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा बेटा, ठीक है ना, इन सारे स्ट्रक्चर्स को एक साथ हम बोलते हैं बेटा विल्बम, क्या बोलते हैं, these all structures are together known as इनको क्या बोलते हैं, इनको विल्वा बोलते हैं। विल्वा का मतलब क्या होता है बेटा, विल्वा का मतलब होता है कंप्लीट एक्सटर्नल जेनेटिकली ऑफ फीमेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, विल्वा बोलते हैं, ठीक है ना। अब विल्वा में सबसे पहली जो चीज हम पढ़ेंगे बेटा उसको हम बोलते हैं मोनस पिविस, ठीक है ना। मोनस पिविस क्या होता है बेटा, आपको पता है फीमेल के अंदर प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन होती है, ठीक है ना, फिबिक सिम्फाइसिस बोन के जस्ट आगे बेटा, मतलब अंदर से फिबिक सिम्फाइसिस बोन होगा उसके जस्ट आगे वाले पोर्शन में बेटा आपको क्या मिलेगा, आपको एक फैटी सबक्यूटेनियस टिश्यू मिलेगा बेटा, ठीक है, फैट से भरा हुआ सबक्यूटेनियस टिश्यू मिलेगा, स्लाइटली इन्फ्लेटेड टिश्यू होता है बेटा, ठीक है ना। और इस फैटी सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है बेटा इसके अंदर एडल्ट फीमेल्स के अंदर हेयर्स ग्रो करते हैं बेटा, जिन हेयर्स को पिबिक हेयर्स बोलते हैं। तो वो फैटी सबक्यूटेनियस टिश्यू बेटा which is present just in front of pubic symphysis bone बेटा, जिसके अंदर pubic hairs होते हैं बेटा in adult females, इस particular structure को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम नाम देते हैं monus pubis और monus veneris बोलते हैं, ठीक है ना। तो labeling भी हम करेंगे इधर बेटा, तो ये diagram represent करता है बेटा external genitalia female का। ये जो upper वाला part आप देख रहे हैं बेटा जहाँ पे हमने थोड़े बहुत ये pubic hairs बनाए बेटा, this structure is known as monus pubis। ठीक है ना, अब एनसीईआरटी के बाद में क्या लिखा है बेटा, मोनस पिबिस, ठीक है ना, मोनस पिबिस को मोनस वेनेरिस भी बोलते हैं बेटा। और है क्या है बेटा, जो मैंने आपको अभी बताया, पैड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू लाइन इन फ्रंट ऑफ पिबिस, पिबिस मतलब पिबिक सिम्फाइसिस बेटा, ठीक है ना, कवर्ड बाय पिबिक हेयर इन अडल्ट फीमेल, समझ गए ना। ये था बेटा आपका म्यूनस पिबिस। जब आप मोनस पिबिस से नीचे आएंगे बेटा, ठीक है, तो आपको फीमेल्स के अंदर बेटा बाहर से एक स्किन का फोल्ड मिलेगा बेटा, बाहर से दो बड़े बड़े स्किन के फोल्ड्स मिलेंगे बेटा, जिन फोल्ड्स को हम बोलते हैं बेटा लेबिया मेजोरा। ये जो आप यहां पे देख रहे हैं बेटा, ठीक है, दिस इज लेबिया मेजोरा, ठीक है ना बेटा। और लेबिया मेजोरा जो होता है बेटा इसके ऊपर क्या मिलेंगे आपको बेटा, इसके ऊपर आपको मिलते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स मिलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स मिलते हैं, और बाहर वाली साइड में हेयर्स मिलेंगे, अंदर वाली साइड में हेयर्स नहीं होंगे बेटा, बाहर वाली साइड में हेयर्स होंगे बेटा। और इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना जो अंदर जेनिटेलियल पार्ट्स है बेटा, मैनोरा ओपनिंग जो होता है बेटा उनको ऊपर से कवर करता है। तो मतलब ये स्क्रोटम जैसा था बेटा, ये स्क्रोटम के जैसे ही काम करता है, इसलिए होमोलॉगस टू स्क्रोटम होगा बेटा, ठीक है ना। एनसीईआरटी के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, बस वही इंपॉर्टेंट है, लेबिया मेजोरा, विल्वा, विल्वा मतलब कंप्लीट एक्सटर्नल जेनिटेलिया is bounded on each side by folds of skin बेटा, मतलब जितना भी अंदर वाला एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसके ऊपर बेटा दो स्किन के फोल्ड्स है बेटा, ठीक है ना, जिन दो स्किन के फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं बेटा, समझ गए ना। अब इनर साइड इज हेयरलेस बेटा, मतलब लेबिया मेजोरा का जो इनर साइड होगा वो हेयरलेस होगा, बाहर वाली साइड में हेयर्स पाए जाते हैं बेटा। आउटर साइड है कवर्ड बाय सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड बेटा। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, लेबिया मेजोरा जो होता है बेटा ये होमोलॉगस टू स्क्रोटम इन मेल्स होता है बेटा, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब लैब में मेजरा से जब आप अंदर जाएंगे बेटा तो आपको यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा ग्रीन में जो बनाया हुआ बेटा, दिस इज लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा बेटा मतलब लैब मेजोरा के अंदर बेटा और एक छोटा सा सेकंड फोल्ड मिलेगा और दो छोटे से सेकंड फोल्ड्स मिलेंगे बेटा, स्मॉल सेकंड फोल्ड्स मिलेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं लैबिया माइनोरा बोलते हैं। लैबिया माइनोरा जब नीचे आते हैं ना बेटा वो दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है ना, और जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं बेटा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जुड़ गए यहाँ पे आपस में बेटा, तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको फोर चटे बोलते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा जिसको हम फोर चेटे बोलते हैं बेटा, समझ गए ना। चलिए लैबिया माइनोरा बेटा टू थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन प्रेजेंट विद इन लैबिया मेजोरा बेटा, मतलब लैबिया मेजोरा के अंदर आपको दो स्किन के फोल्ड्स मिलेंगे जिनको हम लैबिया माइनोरा बोलते हैं, जो आपस में बेटा नीचे साइड में फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा फोर चेटे बनाते हैं बेटा, समझ गए। तो ये लैबिया माइनोरा हो गया बेटा। अब लैबिया माइनोरा के ऊपर वाले साइड में अगर आप देखेंगे बेटा तो वहां पे आपको बेटा फीमेल्स के अंदर एक हाईली इरेक्टाइल एंड सेंसिटिव स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा विच हेल्प्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बेटा। इस हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर को हम नाम देते बेटा विच इज होमोलॉगस टू पेनिस, ठीक है ना, इसको हम क्या नाम देते बेटा इसको हम नाम देते क्लिटोरिस, ठीक है ना बेटा। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ बेटा दिस इज नोन एज क्लाइटोरिस बेटा, ठीक है ना, और क्लाइटोरिस के ऊपर बेटा एक स्लाइट स्किन का फोल्ड होता है बेटा जिसको हम परप्यूसे बोलते हैं बेटा, PERPUCA बेटा उसको हम परप्यूसे बोलते हैं। एंड ये हाईली सेंसिटिव क्यों होता है बेटा, ये हाईली सेंसरी क्यों होता है बेटा, बिकॉज उसके ऊपर बेटा एक स्पेशल सेंसरी टिश्यू पाया जाता है जिसको हम मेसनर्स कॉर्पस्कल बोलते हैं, जो हमने 11th में पढ़ा हुआ बेटा। तो मेसनर्स कॉर्पस्कल जो होता है बेटा वो फीमेल के क्लाइटोरिस के ऊपर पाया जाता है बेटा, क्लियर है। चलिए अब अगर आप बेटा सेंटर की तरफ देखेंगे आपको दो ओपनिंग्स मिलेंगी बेटा, ये ऊपर वाली ओपनिंग है ये नीचे वाली ओपनिंग है, ये जो ऊपर वाली ओपनिंग होती है बेटा ये यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है बेटा, तो ये है बेटा यूरेथ्रा ऑरिफेस, ठीक है ना, जहां से यूरिन पास होगा बेटा, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाली ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है बेटा दिस इज वेजाइनल ऑरिफेस, और ये वो ओपनिंग है बेटा जहां पे मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर आएगा, ठीक है, एंड प्लस दिस इज द प्लेस ऑफ सेक्सुअल, दिस इज द प्लेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बेटा, जहां पे क्या किया जाता है इनसेमिनेशन किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा वेजिना के ऊपर एक कवर पाया जा रहा है बेटा जो मैंने यहां पे बनाया है, दिस कवर इज नोन एज, जो हमने अभी पढ़ा बेटा दिस इज नोन एज शबश, दिस इज नोन एज हाइमन बेटा, समझ आया ना। अब जो वेजिना की कवरिंग होती है बेटा वेजिना की कवरिंग के दो साइड में दो बीन शेप्ड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वेजाइनल ऑरिफेस की कवरिंग के बाहर बेटा दो बीन शेप्ड ग्लैंड्स पाए जाते हैं बेटा जिनको हम बार्थोलिन्स ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आपको दिखाई दे रहा है यहां पे दो ग्लैंड्स बने हुए बेटा, तो इन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। एंड दीज बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर होमोलॉगस टू काउपर्स ग्लैंड ऑफ मेल बेटा, याद रख लेना फीमेल के अंदर दो बीन शेप्ड ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बार्थोलिन्स ग्लैंड्स बोलते हैं बेटा, एंड दीज बार्थोलिन्स ग्लैंड्स दे आर होमोलॉगस टू द शबाश काउपर्स ग्लैंड इन मेल्स बेटा, समझ आए कि नहीं समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके अलावा बेटा अगर आप अपर साइड में देखेंगे बेटा, ठीक है, यहाँ पे यूरेथ्रा की ओपनिंग के बाद देखेंगे तो यूरेथ्रा की ओपनिंग के बाहर भी बेटा बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स मिलेंगे, मेनी नंबर ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं बेटा अपर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, इनको बेटा वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं और ग्लैंड ऑफ स्किन बोलते हैं, ठीक है ना, इनको वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं और ग्लैंड ऑफ स्किन बोलते हैं बेटा, समझ गए ना। ये है बेटा आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया बेटा जो इधर खत्म हो जाता है, तो हमारा मेल वाला पार्ट खत्म हो गया, फीमेल वाला पार्ट खत्म हो जाता है बेटा, ठीक है ना। तो बाकी हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा, थैंक यू।